नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम भूमिका मंडल में आशा मुक्त अभ्यास समूह के ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 11 में पद नंबर 1 सातों देखो जग गोरा नामनो अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में देखें तो भक्ति कालीन निपुण संत परंपरा के कवि का स्थान सरोवरी है। उनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। नीरू और हिमा नामक जुलहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कवि ने निरक्षर थे किंतु मानव प्रेम का प्राय अक्सर पढ़कर वे पंडित हो गए। वे रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने कवि ने राम नाम की मर्म पहचान था। कवि भक्त संत और बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने युग के व्यापक जातिवादी कुरीतियां अंधविश्वास बायन डबल मूर्ति पूजा अवतारवाद उस युग में व्यापक मान्य धर्म संबंधी संकीर्णता का खुलकर विरोध किया। यहाँ लेखक है जो अंधश्रद्धा और जो कुरीतियां हो तो इसका खुलकर क्या किया है, विरोध किया है। उनके पास अनुभव का असीम भंडार था। लेखक के पास इन सब बातों का बहुत ही अनुभव था। अनुभव के खेतपन और यथार्थ बोध से उत्पन्न कवि की कविता पाठक और श्रोता पर गहरा प्रभाव डालती है। कवि की भाषा संदूकड़ी कहलाती है। उसमें बोलचाल की सहजता और बोधकता है। कवि की रचनाएं कवि की ग्रंथावली और संग्रहित है। उनका प्रमुख ग्रंथ बीजक है। उसके तीन भाग रेमिनी सबल साखी। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित है। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने युग के व्यापक हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियां तथा अन्य विधियों विरोधों धार्मिक संकीर्णताओं को आय आडंबर आदि का खुलकर विरोध करते हुए धर्म के ठहरादारों को आत्मज्ञान प्राप्ति की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ जो कवि जी है वो खुलकर विरोध करते हैं, यानी कि जो होता है जो हमारे धर्म के नाम पर वो बहुत ही विरोध करते हैं। यानी कि जैसे कि जाति पाति पूरी राज अंधविश्वास ये सब में विरोध करते हैं, ये इसका बताया गया है इस पद में। अब हम पद का अभ्यास करेंगे। साधो देखो जग बुराना बुराना यानी पागल हो गया। हे सज्जन देखो जो विश्व है, देखो ये दुनिया पागल हो गई है। साची कहो तो मारन दावे झूठे जग पतियां। साची यानी सच्ची बात और मार लेके मर्म। इस पद में क्या कहता है, बताया है कि इसके जो लोग हैं अगर सत्य कहा जाए तो मारने लगते, मारने के लिए दौड़ते। अगर लोग को सत्य कहा जाए तो क्या करते हैं, मारने के लिए दौड़ते। अगर झूठ कहा जाए तो उसे उस पर विश्वास कर, अगर उसे झूठ कहा जाए तो उसमें विश्वास कर, ये तो सही बात है। आगे देखते हैं। हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान गरिमा। हिंदू जो लोग हैं वह कहते हैं कि राम हमारे हैं। वो कहते हैं कि राम रामनंद की हमेशा रट लगाते रहते हैं। और जो मुस्लिम है वो कहते हैं रहमान अर्थात अल्लाह हमारे हैं। आपस में राम और रहीम की लड़ाई होकर देखकर आपस में लड़ते रहते। यहाँ जो लोग हैं हमारे समाज में आपस में वो अल्लाह बोलते हो, वो कहते हैं हमारे राम हैं, ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में दोनों लड़े मत है मरम कोई नहीं जाना। यहाँ क्या बताया कि ये जो दोनों हैं वो आपस में राम और रहीम जो लेकर लड़ते मरते हैं, लेकिन उसका मर्म उसका भेद कहना चाहते हैं। वो राम और रहीम है वो आपस में लड़ते हैं, वो उसका भेद कहना चाहते हैं। उसका विषय को विचार नहीं कहते, उसका विचार कोई भी करता नहीं, ऐसा कभी जी कहना चाहते हैं। बहुत मिले मोही नेमी धर्म प्राप्त करे स्नाना।
संस्कार मुक्ति में जो नियम और धर्म का पालन करते हैं। सुबह गंगा घाट पर जाकर स्नान करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। आतंक छोड़े बसाने पूजे इनका थोखा नाना। आतंक यानी आत्मज्ञान, बसाना बसाने यानी पत्थर और थोखा यानी खोखला। यहाँ क्या बताया है कि उनको अपनी अंतरात्मा को सत्यता को छोड़कर आत्मा को छोड़कर पत्थर की पूजा करते रखते हैं कौन लोग, लेकिन उनका ज्ञान तो बेकार है। यहाँ क्या कमी जी क्या बताते हैं कि लोग है उनका ज्ञान क्या है बेकार है। ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं है। पूजा इस तरह से करेंगे तो नियम धर्मों का पालन करेंगे कि न जाने कितने बड़े विद्वान। यहाँ क्या बताते हैं हमारे समाज में लोग इस तरह पूजा पाठ करते हैं कि क्या क्या न जाने वो कितने बड़े विद्वान हैं। वो क्या करते हैं अनुरोध करते हैं। इन सब बातों में वो कबीर जी मानते नहीं है ये हम देख सकते हैं। आसन वाली इंद्रधरी बैठे मन में बहुत घुमाना दम्भ दिव्य यानी दम। यहाँ क्या बता रहे हैं आसन जमा कर देखते हैं कौन लोग, और जिस प्रकार अंडा घोंसले में देता है और अंडा रखा रहता है जो जो वो होता है वो घोंसले में देता है उसी प्रकार ये व्यक्ति भी जो है आसन जमा कर देते रहते हैं और अपने मन में बहुत गुमान रखते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। जो लोग होते हैं वो अपने मन में क्या रखते हैं बहुत ही गुमान रखते हैं हम कितने बड़े लोग हैं अपने आप को क्या महान समझते हैं बहुत विद्वान हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कबीर जी क्या कहते हैं लेकिन वो मानते हैं हम बहुत विद्वान हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपर पाकर पूजन लागे तीर्थ बदले भुलाना। पीपर यानी पीपल का पेड़, पाथर यानी पत्थर और पूजन लगे पूजने लगे। यहाँ क्या बताया कि पीपल की पूजा करना पत्थर की पूजा करना इसी में हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ कबीर जी क्या कहते हैं कि पीपल की पूजा करना और जो पत्थर है उसकी पूजा करते लोग हमेशा इसमें ही हमारे समाज में लगे रहते हैं और तीर्थ व्रत उपवास इन सबको भुलाने में लगे हैं। जो तीर्थ व्रत है उसको हम उसको भुलाने लोग लगे हैं। जो सच्चाई है जो मुख्य रूप में उपवास और व्रत महिमा बताया गया है वो लोग अंधविश्वास और माया काम करने करके उसे भुलाने लगे। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि जो लोग है वो अंधविश्वास और माया काम करने भुलाने लगे हैं। माला पहनिए टोपी पहनिए छाप तिलक अनुमाना। यहाँ क्या कहते हैं कि लोग माला और टोपी पहनकर छाप और तिलक लगाकर बहुत करते हैं। ये तो सच बात है कि हमारे समाज में आज भी लोग माला पहनकर और तिलक लगाकर बहुत ही ढोंग करते हैं। विद्यार्थी मित्रों यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि हम इस कविता में देखा कि किस प्रकार कवि जी ने समाज में उस समय की और आज भी जो अंधविश्वास पूरी रीति रिवाज व्यापक है उसका बोध हम सबको कराया है। विद्यार्थी